आपने इतना वक्त हमारे से जुदा रहना उसका कोई बात नहीं, वो इनके सामान के साथ बैठ गया। तो साफ जाहिर है कि कितना रोने की आवाजें, फरियादें, रात कैसे नींद आए उसको भी, वो कभी लेटे कभी बैठे, कभी लेटे कभी बैठे, गिरिया हो रहा है, शब आशूर है। तो अब जब ओ उसने अचानक देखा मंजर, तो वो हैरान हो गया कि एक नूरानी हस्ती आ गई, उसके इर्द गिर्द दो नूरानी हस्तियां चल रही हैं और जो उसको कहती हैं जी आका, कहा कि देखो इस रोजे में जितने लोग भी आशूरा करने आए हैं सबके नाम लिख दो, किसी का नाम भी बाकी न रहे। उन्होंने कहा कि आका हमने सब नाम लिखना, कहा नहीं एक मरतबा फिर देखो। मेरे भाई अपनी हुकूमत छोड़कर लोग हुकूमतों के लिए क्या कुछ नहीं करते, आज क्या कुछ नहीं हो रहा मेरे भाइयों, मगर वो हुकूमत को छोड़कर कहां जा रही है, कहा कि मैं गुलामी और कनीसी में जा रही हूँ। कहा इतनी बड़ी हुकूमत छोड़कर, कहा कि दुआ करें वो कनीसी में कबूल कर दे मेरे भाई, कहा कि मुझे इस दुनिया से वो बहुत अजीब है। तो मगर जो इतने खलूस के साथ इस दरवाजे पर आता है तो उनको मिलता क्या है, पता है क्या मिलता है कि जब वो मदीने के करीब आई तो आपने कहा या अली, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या अली, कहा कि जी आका, कहा कि आज मेरी बेटी दूर का सफर कर गया है, मैं चाहता हूँ आप और मैं जाकर उसका इस्तकबाल करें और उसको लेकर आए मदीने में। अब अंदाजा लगा लीजिए, तो अब मदीने में जब लेकर आने वाला कौन था, सैयद अलंबिया, जिसके सामने कहना सर झुका देती। तो मालूम हुआ कि सच्चे दिल से जब कोई आता है तो वो खुद उसको ले लेती मेरे भाई। इस वजह से यहाँ दिल की पाकीज़गी चाहिए, ये जो है अहदे और ये नहीं चाहिए, यहाँ दिल किसका कितना पाक है। तो अब आप अंदाजा लगा रही क्या वो आई, तो रसूलुल्लाह ने बेटी कहा, मौलवी साहब ने बहन कहा, और सैयदा ने भी आगे बढ़कर बहन कहा, कितना ग्रेड मिला वो ना, हालांकि वो तो कनीसी में आई मगर बाबू मुझे नहीं दिया।
जब ना 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 ना।